हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। बेस्ट क्वेश्चन टेस्ट योर कॉन्सेप्ट, ये एक क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये एक क्वेश्चन पूरा आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा थर्मोडायनामिक्स का। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद जे एडवांस है, जे मेंस का, पी वाई क्यू है। पर ये क्वेश्चन जो भी है, मतलब अगर आपने थर्मोडायनामिक्स अच्छे से पढ़ी है और आपको अप्लाई करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कुछ डाउट होता है तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, ये डायग्राम गिवन था और आपको जैसे कोई डाटा नहीं गिवन है ना, तो बस आपको ये बताना है ये ग्रेटर देन जीरो है ये सब, या लेस देन जीरो है, बस इतना बताना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना बताना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन WAB निकालना है। ठीक है, तो पहला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। WAB, A से B, A से B को आप कंसीडर करिए। ठीक है, देखिए A से B में हमारा क्या गया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखिए यहां पे आइए आप, तो देखिए ये नीचे वॉल्यूम है, यहाँ प्रेशर है, तो यहाँ से ए से बी में जाने में वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों? क्योंकि अगर आप इधर गए होते तब इधर वॉल्यूम तो इधर दिया है ना, तो अगर इंक्रीज करता तो इधर जाना होता, लेकिन ये तो ऊपर ही गया, एक ही पॉइंट पे ऊपर जा रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आप इससे एक बात बोल सकते हो, ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको पता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V होता है। और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो ये जीरो हो गया, तो हमारा W क्या आ गया, जीरो आ गया। तो वर्क डन इन ए बी क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि क्यू ए बी क्या होगा। तो क्यू ए बी क्या होगा, देखो आपने पढ़ा है एक फार्मूला, डेल्टा U बराबर होता है डेल्टा Q प्लस डेल्टा W पढ़ा है। तो अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर आपने डेल्टा Q बराबर क्या कर दिया, डेल्टा W बराबर जब जीरो हो गया, और डेल्टा Q बराबर डेल्टा U आ गया। तो अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए। देखिए, हमें पता है कि पी वी इज्कल टू एन आर टी, पता है पी वी इज्कल टू एन आर टी। ठीक है, तो अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर भी तो इंक्रीज कर रहा है ए से बी में। देखिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, देखिए वॉल्यूम इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट है, पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट है थ्रू आउट ए बी, लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देखिए प्रेशर वाई एक्सिस पे दिया है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रेशर ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रहा है। तो आप एक बात और बोल सकते हो, प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब पी का डायरेक्टली रिलेशन है किससे, एन आर टी से। देखो डायरेक्टली है, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो आप बोल सकते हो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर हमारा जो होता है वो इंटरनल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इससे ये बोल सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डेल्टा यू भी इंक्रीज करेगा, और डेल्टा यू इंक्रीज किया तो हमारा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा यू ए बी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, या बोल सकते हो डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो, तो देखो डेल्टा यू डेल्टा क्यू के बराबर है, तो डेल्टा क्यू ए बी भी हम क्या बोल देंगे, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं और। ठीक है, मान लीजिए हमारा बी से ए में आपको बताना है, जैसे दूसरा बी से ए में चलते हैं। ठीक है ना, बी से ए में। अब यहाँ पे क्या है, बी से ए में तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज से हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज मतलब एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, वर्क डन बाई सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। यहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन बाय सिस्टम हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप डब्ल्यू ए बी जो है वो है, आप क्या बोल दोगे, बी सी ले रहे हो, डब्ल्यू बी सी आप जो है वो क्या बोलोगे, लेस देन जीरो। ठीक है ना, क्लियर इतनी बात। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया बी सी, देखो प्रेशर तो वाई एक्सिस पे है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर देखो फिक्स है एक ही पॉइंट पे, तो बी सी में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, दिख रहा है आपको प्रेशर कांस्टेंट। और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम फिर हमें पता है पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, पी वी बराबर एन आर टी होता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन आर टी के। तो वॉल्यूम इंक्रीज, तो इससे हम बोल सकते हैं टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा यू के, तो डेल्टा यू भी इंक्रीज करेगा, तो डेल्टा यू बी सी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो डेल्टा यू पॉजिटिव हो गया, तो अब आपको एक चीज़ पता है क्या, देखो डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू और प्लस हमारा क्या होता है डेल्टा डब्ल्यू, ऊपर हमने पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे डेल्टा यू क्या है, हमारा डेल्टा यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव।
ठीक है, पॉजिटिव मान लो x है, और यहाँ डेल्टा q हमारा क्या है, डेल्टा q हमें निकालना है BC में, और डेल्टा w हमारा क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आया ना, तो उसे मान लो माइनस y नेगेटिव। तो देखो ये मान लो x है पॉजिटिव, डेल्टा q है और प्लस माइनस नेगेटिव, तो डेल्टा q हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस y जो कि पॉजिटिव दिख रहा है, तो डेल्टा q क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, समझ में आया, डेल्टा q ग्रेटर देन जीरो BC केस में। ठीक है, अब देखिए अगला हम और निकालते हैं, पेज दूसरा हम चेंज करते हैं, ठीक है, फिर आपको बताते हैं। तो अब हम CD में चलते हैं, ठीक है, CD में आपको निकाल के बताते हैं, C और D प्रोसेस में। तो देखो C और D से हम अगर आएंगे तो देखिए C से D में आने पे आप क्या बोल सकते हो कि वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि फिर तो वही है, देखो इस वर्टिकल है, अगर हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में अगर कुछ इंक्रीमेंट हुआ होता तो पता चलता है, ये तो वर्टिकल है, तो वॉल्यूम हमारा क्या है, इसी पॉइंट पे थ्रू आउट CD, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो आप वर्क डन तुरंत बता सकते हो जीरो, ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन जीरो, क्योंकि हमें पता है W बराबर P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V है ना, तो ये जीरो, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल में हमारा प्रेशर है, तो यहाँ पे देखो ये CD में प्रेशर, प्रेशर ऊपर से नीचे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, C से D में आ रहा है, देखो ये ऐसे है, ये रो का बहुत मतलब है, C से D में आ रहा है, तो ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट जीरो है, तो ऊपर से नीचे आने पे जीरो, तो देखो प्रेशर हमारा क्या है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो आप PV बराबर NRT जानते हो, तो अगर मान लो हमारा प्रेशर डिक्रीज, तो प्रेशर टेम्परेचर भी डिक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर डिक्रीज तो आप डेल्टा U को भी डिक्रीज बोलोगे, डेल्टा U डिक्रीज मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है, डेल्टा U बराबर क्या हो गया, डेल्टा Q बराबर प्लस डेल्टा W, और डेल्टा U क्या आ गया, नेगेटिव, डेल्टा Q बराबर डेल्टा Q निकालना है, और डेल्टा W जीरो हो गया, तो डेल्टा Q आ गया नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो आप क्या क्या निकालिए, WCD हमारा क्या आ गया जीरो, QCD क्या आ गया लेस देन जीरो, और डेल्टा UCD हमारा क्या आ गया लेस देन जीरो, वही लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव ही हुआ। ठीक है, अब मान लो अगला प्रोसेस लेते हैं हम, कौन सा, D से A वाला ले लेते हैं, D से अगर A वाला आप निकालते हो, ठीक है, तो सारी बातों को निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे आप D से अपने से अब सोचो क्या होगा, D से A में देखो क्या हो रहा है, D से A में यहाँ पे बोलो, तो यहाँ पे आप W बराबर पॉजिटिव बोलोगे, क्यों बोलोगे आप जल्दी से बताओ, जल्दी से क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव, देखो यहाँ से वॉल्यूम अगर इधर से ऐसे बढ़ते तब इंक्रीज होता, देखो D से हम A जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जीरो की ओर जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज, तो देखो अब वॉल्यूम डिक्रीज, तो हमने बोला था वॉल्यूम डिक्रीज मतलब कंप्रेशन हो रहा है, तो मतलब कंप्रेशन मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, उससे पहले क्या पढ़ा था हमने, एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, तो यहाँ पे इसलिए वर्क ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, W पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में अगला हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, फिर से प्रेशर देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, एक ही पॉइंट यहाँ पे ऊपर जाते ऊपर नीचे जाते तब प्रेशर हमारा बढ़ता घटता, तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो आप क्या बोल सकते हो, देखो PV बराबर NRT, और यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज, अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे RT, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा U भी डिक्रीज होगा, डेल्टा U डिक्रीज मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो देखो डेल्टा U बराबर क्या होता है, डेल्टा Q प्लस डेल्टा W होता है डेल्टा W, तो अब देखो डेल्टा Q और ये डेल्टा W हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, तो ये पॉजिटिव मान लो X है पॉजिटिव, ठीक है, और डेल्टा U हमारा यहाँ से नेगेटिव आ गया, तो इसे मान लो Y है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप डेल्टा क्यू अगर निकालोगे तो माइनस वाई, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस ही आएगा, ओवरऑल हमारा आप देख रहे हो माइनस ही आ रहा है, इसे ऐड भी करोगे तो भी माइनस रहेगा, तो डेल्टा क्यू DA जो है वो क्या आ जाएगा, जीरो, लेस देन जीरो या नेगेटिव भी, और नेगेटिव भी बोल सकते हो। ठीक है, और डेल्टा UDA क्या आया था, लेस देन जीरो, वही नेगेटिव, और WDA क्या आया था, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये आया था। तो ऑलमोस्ट ये सारे कॉन्सेप्ट आपके थर्मोडायनेमिक्स के चेक कर लिया, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।